कैसे हो आप? फिर से आपको एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना, जिसने किया वो सब उद्भुत है। तो आजकल पूरे सोशल मीडिया पे ये चर्चा चल रहा है कि भाई भारत का जो इंडिया जो हमारे देश का नाम है उसको भारत करने के चक्कर में पड़ा हुआ पूरा बीजेपी या जो सरकार है आजकल, आज बीजेपी की सरकार है हमारे सेंटर में। भाई सबसे पहले तो ये है कि जो भारत ऑलरेडी है हिंदुस्तान का नाम, उसे बदलने की जरूरत नहीं। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये तीनों नाम हमारे जो है भारत में, और ये कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों की देन है। तो हिंद, जो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंद के नाम से जाना जाता है, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, ये हिंद के नाम से जाना जाता है, और इसको हिंद, इसलिए इसे हिंदुस्तान नाम पड़ा है। जहां तक हमने थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान हमने किताबों से पढ़ा, और कुछ थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लिया, जो कि सही भी होता है कुछ ज्ञान, और बाकी जैसे वीरेंद्र सहवाग जी जो कि जर्दे का पान परा कप क्या बोलते प्रसार वो करते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं, और वो हमें ये बोलता है कि हमें भारत ही का काफी अच्छा लगता है। तो पहले सहवाग साहब, पहले ना किताबें पढ़ा करो, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ना ज्ञान ना पहला करो। खैर बहरहाल छोड़िए, तो आप कितने लोग सहमत हो कि हमारे जो इंडिया का नाम भारत में तब्दील होना चाहिए, उसमें होना चाहिए, ऑलरेडी वैसे तो है ही, कितने लोगों को पता था और कितने लोग सहमत है, आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और देखिए जिस दिन ये नाम वगैरह चेंज होएगा ना, अगर कोई समस्याएं नहीं होती ना इसमें नाम हो चेंज होने की, तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर, मतलब हर चीज पे, राशन कार्ड, आप जहां भी जाओगे हर चीज पे हमें मिटाना पड़ेगा, इंडिया फिर भारत लाना पड़ेगा। और हो सकता है कोई और मुल्क इसे फिर इंडिया को कोई कैप्चर करे, मतलब इंडिया के नाम को, इंडिया को तो किसी की हैसियत नहीं करनी, इंडिया के नाम को, और फिर इंडिया का जो नाम है इस टाइम पूरे वर्ल्ड में एक ब्रांड है, जिसे ब्रांड बोलते हैं ना, ब्रांड इंडिया के नाम से जाना जाता है। आप किसी भी मुल्क में जाओ और इंडिया का नाम लो और आपके सामने ना सलाम करते हैं। तो इसलिए यार इतना अच्छा नाम है, मुझे लगता नहीं करना, इसके पीछे क्या कॉन्ट्रोवर्सी खड़ा करना है नाम चेंज, मतलब हर चीज के लिए अच्छा नहीं होता ये चीजें करना है। हमारे लिए तो यही सहमत है कि जिससे लोगों के, बस देखे जब आप नाम चेंज करेंगे सब लाइन पे लगेंगे, नोट बदला था ना, नोट बदली हुई थी ना, सबको लाइन में लगना पड़ा, सबको वैसे ही लाइन में लगना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपया इसका इस्तेमाल करना इस्तेमाल होएगा उसका चेंज होगा। देखिए आजकल अगर हमें आधार कार्ड को फोन नंबर से लिंक करना पड़ता है, उसके लिए भी हमें, अगर सरकारी रेट 50 रुपये है, ब्रोकर वो बनाने वाला लेना वेना वो भी 150 कर देता, मतलब 150 रुपया तो लग ही जाता है। तो अब आपके पास चाहे 10 पहचान पत्र हो, मतलब कोई राशन कार्ड हो, कोई पैन कार्ड हो, कोई आधार कार्ड हो, कोई ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई उन पे सब पे आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना नाम इंडिया चेंज करना, मतलब वो करना पड़ेगा, तो आपको हजारों रुपया आपकी जेब से जाने वाली है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है आप गरीबों को लूटने का, आवाम को, पब्लिक को लूटने का। और क्योंकि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो हमें सबसे पहले तो जातिवाद पे वोट, इलेक्शन नहीं देना, मतलब वोट नहीं देना है, जातिवाद पे बिल्कुल नहीं देना है वोट, ये आखिरी बात मेरी जान से सुनना है। हमने वोट करना है विकास पे, जो हमारे सामने आएगा उसे ये बोलना कि अगर आपने आपको वोट देंगे आप 5 साल के लिए हमारे लिए क्या करेंगे, जो कि आजकल बहुत डायलॉग मशहूर है, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करोगे, हमारे बुजुर्गों के लिए क्या करोगे। तो हमें हर चीज के पीछे जाना पड़ेगा भाई, अब हमने सोच के वोट करना है, और अच्छी सरकार लानी है, जो कि अच्छे इंसान को लाना है, जो कि हमें पार्टी मैटर, देखो मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं अच्छे, जो हमारे देश की जो ग्रुप आगे रह जाए, जवानों के बारे में सोचे, किसानों के बारे में सोचे। चलिए दोस्तों, खुदा हाफिज, अगर कोई बात गलत लगी तो उसे हम माफ करते हैं, वैसे दिल की बात ही है, हमने बोल दिया आपके साथ। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।